नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं साक्षी गुप्ता। आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरों पर। लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर भतीजी ने बताया उनकी कंडीशन स्टेबल है और वे रिकवर कर रही है। भारत में 24 घंटे में 1.93 लाख कोरोना के नए केस सामने आए। 3 IITs में कुल 100 से ज्यादा स्टूडेंट संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना के 24 घंटे में 27.72 लाख नए संक्रमित सामने आए। 5.62 लाख संक्रमितों की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। राज्यों में शीतलहर चलेगी। 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश की आशंका। पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा बेअदबी करने वालों को कठोर सजा दिलवाएंगे, हमारा पहला एजेंडा रोजगार। भोपाल में नेपाल से शादी के लिए आई दुल्हन संक्रमित। होशंगाबाद रोड पर 8 महीने की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कर्मचारी बिना मास्क के दिखे तो शॉप ऑफिस मालिकों पर जुर्माना, 200 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। सूर्य नमस्कार के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी सभी राजनीतिक प्रोग्राम रद्द। 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो बिना जांच किए किया जाएगा डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,639 नए केस सामने आए। प्रदेश में 6 जिलों में 3 डिजिट में मिले मरीज पॉजिटिव, दर 4.57 पहुंची। कोरोना का कहर बेकाबू। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 1,169 नए केस सामने आए तो भोपाल में 572 संक्रमित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया घर पर ही सूर्य नमस्कार और बच्चों से अपील की, सिर्फ आज ही नहीं रोज करें सूर्य नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्यपाल पर कांग्रेस का हमला, दिग्विजय सिंह का सवाल, कहा क्या राज्यपाल किसी एक पार्टी के प्रचारक के रूप में कार्य कर सकता है। बीजेपी ऑफिस में कोरोना विस्फोट, बीजेपी ऑफिस में 42 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित, अब दिल्ली में मॉडरेट कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 193। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू। महाराष्ट्र में अब तक 481 रजिस्टर्ड डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार पर उठाए सवाल। पिछले और दलित की अपेक्षा का आरोप लगाकर यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। दारा सिंह के बीजेपी छोड़ने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा डूबते नाव की सवारी से होगा नुकसान। मध्य प्रदेश के स्कूल में एडमिशन के नियम बदले। 1 से 8 क्लास के लिए अब पहले TC देना जरूरी नहीं। नए नियम के अंतर्गत बाद में जमा कर सकते हैं TC। भोपाल, इंदौर में रात का पारा 8 से नीचे। बारिश ओले के कारण अगले 3 दिन रहेगा सर्दी का जोर। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 13,681 नए केस सामने आए। हर घंटे 570 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिल रहे। एक्टिव केस 57,000 के पार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत अपने समर्थ और अपने सपनों दोनों से युवा, स्वामी विवेकानंद को जयंती पर किया नमन। पंजाब चुनाव से 1 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 134 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 27 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ओमिक्रॉन से बड़ी मुश्किल में अमेरिका अस्पतालों में, पिछली लहर के पीक से भी ज्यादा मरीज भर्ती। ज्यादातर की उम्र 60 साल से कम।